हेलो फ्रेंड्स, अगर इस लॉकडाउन में आपका कुछ मीठा खाने का दिल है तो आप ये इजी रेसिपी घर पर बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। ये एक बहुत इजी रेसिपी है और घर के सामान से इजीली बन जाती है। इसको आप नो कुकिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा लीटर फुल क्रीम दूध, दूध में हम मिक्स करेंगे एक टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर ऐड करने से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ाकर इसको थोड़ी देर ज़्यादा कुक कर सकते हैं। हम मिल्क पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। इसमें हम डालेंगे दो हरी इलायची, जिनको मैंने खोल कर डाल दिया है। इससे इलायची की खुशबू दूध में आ जाएगी। हम दूध को स्लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। अगर आप ये रेसिपी नो कुकिंग प्रोसेस से बनाना चाहती हैं तो दूध में मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी रबड़ी तैयार कर सकती हैं। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये पैन की तली में ना चिपके। इतने दूध बॉयल हो रहा है, हम और तैयारी कर लेते हैं। हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। आपको जितनी रसमलाई बनानी है आप उससे डबल ब्रेड स्लाइसेस ले लें और इनको किसी कटोरी की हेल्प से गोल गोल काट लें। मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस को काटकर अलग रख लिया है। अब हम कुछ फ्रूट्स लेंगे। मैंने यहाँ पर एप्पल को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकती हैं, पर कोशिश करें कि खट्टे फ्रूट ना लें। मैंने एप्पल और बनाना लिया है। हम बनाना को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करके इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो इसको कम कर सकती हैं। हम इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, बस फूड कलर ऐड करने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। देखिए, हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें कुछ कटे हुए नट्स ऐड करेंगे। मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ऐड कर सकती हैं। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बोल में 1/2 कप दूध लेंगे और इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम कटे हुए फ्रूट्स में 2-3 चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। मैंने फ्रूट्स और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इस फिलिंग को और कलरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकती हैं।
टूटी फ्रूटी डालने से फिलिंग बहुत कलरफुल हो गई है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसके बिना भी इसको बना सकती हैं। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसको दूध में डिप करके दबाकर इसका एक्स्ट्रा दूध निकाल लेंगे। अब इसमें फ्रूट वाली फिलिंग रखेंगे और दूसरी ब्रेड स्लाइस को दूध में डिप करके इसके ऊपर लगा देंगे और दबाते हुए इसको एक टिक्की की शेप दे देंगे। हम इसके किनारों को दबाते हुए अच्छी तरह से चिपका लेंगे। हम सारी टिक्कियां इसी तरह तैयार करके सर्विंग डिश में सजा लेंगे। देखिए मैंने सारी टिक्कियां तैयार कर ली हैं और हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। अब हम इन टिक्कियों के ऊपर ये रबड़ी डालेंगे। टिक्कियों को रबड़ी से कवर कर दिया है, इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी पसंद की ऊपर से कोई भी डेकोरेशन कर सकती है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे जिससे ये देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब भी जब आपका मीठा खाने का दिल करे तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही ये मिठाई बनाएं और इसका मज़ा लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।